बैठे हैं, ये अब काफी मायनों में ओनर मान सकते हैं, इनके पार्टनर भी हैं साथ में, हमिंग वेल इनकी कंपनी, और इनके हाथ में जो ये अस्त्र है ये अगर भारतीय बल्लेबाजों के हाथ में होता आयुष तो मामला बदल सकता था, क्योंकि आपने इसमें कुछ इनोवेशन किया है, उसके बारे में बताएं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ पे आने का मौका दिया आपने। तो ये एक्चुअली फाल्कन ब्लेड हमने नाम दिया इस बैट को। तो इस बैट में हमने ये एक डिफरेंस किया है कि अगर आप नॉर्मली एक बैट को सामने की तरफ से देखेंगे तो वो आपको एक ईंट जैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है बैट की। अगर उसकी तुलना में आप ये वाला बैट देखेंगे तो इस बैट में हमने जो बैट की एज होती है उसको एक स्लोप दिया है। वो स्लोप के कारण जब बॉल एज पे लगती है तो उसे एक नीचे की तरफ फोर्स मिलता है, तो बॉल सीधे फर्स्ट स्लिप में जाने के बजाय सेकेंड स्लिप के आगे गिर जाएगी। ये हमारा एनालिसिस, हमने काफी इस पे थियोरेटिकल बहुत सॉफ्टवेयर से एनालिसिस किया है, हम आईआईटी बॉम्बे के पास आउट्स हैं, आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट्स हैं, तो हमने जो एनालिसिस किया है और जो स्टडी की है उससे हमें ये पता चला है कि इस डिजाइन से जो बॉल एज पे लगेगी वो स्लिप के आगे गिर जाएगी, स्लिप तक नहीं पहुंचेगी। ये क्या ये सोच के आपने बैट बनाया कि जो आप तो चलिए आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हैं, वो एज देने बंद नहीं कर रहे तो हम एज कैरी कराना ही बंद कर देते हैं? मतलब एक्चुअली सही बोले तो ये हमारा आइडिया तभी आया था जब इंडिया 0-8 सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में हार के आई थी। उसके बाद हम एज फैंस सोच रहे थे कि हम अपनी तरफ से क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इंडिया को बेटर परफॉर्म करने का मौका दें। तो हमने थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि हम कैसे थोड़ा वर्क कर सकते हैं। हमें लगा कि एक क्रिकेट बैट का अगर मैं नॉर्मली एज लूँ तो अगर मैं उसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो क्या बैट्समैन के लिए फायदा हो सकता है। तो हमने उसी पे थोड़ा काम किया, शुरू में बहुत रैंडम डिजाइंस बनाई शुरू में, पर धीरे धीरे हम एक ऑप्टिमाइज डिजाइन तक पहुंचे। हमने एमसीसी को भेजा हमारा डिजाइन। एमसीसी को भेजना इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम चाहते थे कि बैट को एक अप्रूवल मिल सके, एक कोई क्रिकेट की बॉडी अगर इसको मान्यता दे सके तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने भी कहा कि ये लॉस के अंदर है, तो अब हम बस होप करते हैं कि इंडियन टीम को इसका फायदा दे सके हम अपनी तरफ से। आकाश, इसमें एक और बात भी एक्चुअली शायद जो बात इन्होंने शायद वो मेंशन नहीं की, वो बात ये है कि बात सही है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ गिरा हुआ है इसका एज बिल्कुल सीधा रहता है जनरली, यहाँ थोड़ा अंदर की तरफ गिरा दिया इन्होंने, तो इससे यही होगा कि नीचे की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ जाएगा, जो फर्स्ट स्लिप की तरफ जो गेंद जा रही है वो सेकेंड स्लिप थर्ड स्लिप की तरफ जानी शुरू कर जाएंगी। तो ये एक इनका एक नया कॉम्पोनेंट है जो मुझे लगता है कि अच्छा है, जहां पे एजेस सीधे नहीं थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात शायद उन्होंने जो मेंशन नहीं की, दूसरी बात कि जो थिन एजेस हैं, जो पतले एजेस लग रहे हैं जो कीपर के पास जाते हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो लगेंगे तो वो शायद बिल्कुल सीधा जाएंगे कीपर के पास, लेकिन अगर थोड़े से भी मोटा एज जो है जो स्लिप के पास जाता है, जैसे आज कुक का एज लगा स्लिप में गई, वो हो सकता है पहली स्लिप पे नहीं दूसरी स्लिप की तरफ चली जाती क्योंकि इसका एज का शेप उस तरीके का है। तो मतलब जो वीक फील्डर है उसे फर्स्ट स्लिप पे लगा दी। नहीं, इसका एक और देखिए, इसका एक काउंटर पॉइंट क्या है, हालांकि बड़ा बढ़िया इनका इनोवेशन है, मुझे अच्छा लगा। इसका एक काउंटर पॉइंट यह है कि अगर आगे गिर रही है और ऐसा बल्ला है तो भाई स्लिप वाले आगे आ जाओ थोड़ा सा, पीछे क्यों खड़े हो? जो हमने जो रूट को देखा भी कल 34 स्लिप पे हेलमेट डाल के आगे खड़े थे, करेक्ट। तो लेकिन अब उसमें नुकसान क्या है, अब उसका अगर जो काउंटर पॉइंट एक और है कि अगर आप आगे बहुत ज्यादा आ जाएंगे और गेंदबाज की स्पीड 145-150 है तो फिर रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, आपको कैच पकड़ने के लिए समय कम मिलेगा, तो हो सकता है कि एरर परसेंटेज जो है वो ऊपर चली जाए। तो फिर यही कह सकता हूँ कि भाई काम अच्छा किया है, क्रिकेट के फैंस भी ढूंढ रहे हैं कि कैसे अब ये देखना चाहते हैं, जैसे अगर इनके बैट से लगा तो जाएगी वो सेकंड स्लिप के पास, और अगर जो शिखर धवन के हाथ में बल्ला है वो जो नॉर्मल बैट है उससे गई सीधा गेंद कुक के पास, जेम्स एंडरसन। ये मैच ट्रेंट ब्रिज का पहली इनिंग है भाई, मेरे को याद आ गया, ये पहली इनिंग में उन्होंने राउंड द विकेट दिए थे, ऐसे एज लगा था पीछे स्लिप में गई थी, तो ये शायद थोड़ी बाहर की तरफ जाएगी। तो ये टाइम अच्छी आईआईटी से जरूर पास आउट है बतौर इंजीनियर, लेकिन इनका मैनेजमेंट भी अच्छा है क्योंकि जो उन्होंने टाइम चूज किया है इस बैट को सबके सामने रखने का, जितने एज लग रहे हैं ये अगर बाहर चला गया स्टॉल पे तो बहुत बिक्री होगी, इंडियन टीम काफी इससे फायदे ले सकती है। लेकिन जब ये आइडिया, अभी हम बात करें जो स्लिप में मौके भारतीय टीम ने गवाए अच्छे बैटों के साथ जो काफी कैरी भी किए थे, तो कुल मिला के 8 कैच छोड़े हैं, 9 पकड़ लिए, और कुछ कैचेस पहले हमने कुल जो है 8 कैच
छोड़े थे और सात पकड़े थे। मुझे पता है क्या याद आ रहा है कि अगर ये भारतीय टीम अभी थोड़ा सा मजाक में है कि अगर ये पहुंच गई एयरपोर्ट फ्लाइट से कुछ डेढ़ दो घंटे पहले भी छूट जाएगी तो भी फ्लाइट छोड़ देंगे यार, ये फ्लाइट भी नहीं पकड़ पाएंगे, ये इतनी कैचे छोड़ रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो कैच पकड़ने की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भारत आएंगे फिर हम भूल जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि हम भूले ना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतनी कैचे जाएंगी नहीं, तीन टेस्ट मैच है, हम आसानी से जीतेंगे भी और स्लिप्स जो है वो स्पिनर्स पे कैचे जाएंगे हम पकड़ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कैचे आएंगे फिर दोबारा स्लिप में, अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर लंबी पिताई के लिए तैयार। आयुष चलिए और ये भी बताइए आपके साथ और कौन कौन है, किन किन ने बैठ के आइडिया, क्योंकि अब जब आए हैं तो आपको डांट पड़ेगी वापस गए अगर बाकी का नाम नहीं लिया आपने तो। नहीं नहीं, एक्चुअली हम आईआईटी से चार ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ये इनोवेशन पे काम करना शुरू किया। तो मेरे साथ मेरे तीन और दोस्त हैं, मेरे गोगरे क्षितिज थावरे और दो और दोस्त हैं नमन लाहौटी और जिमित गांधी। तो हम पांच लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। फिर हमें काफी कोचेस से और उनसे हम लोगों से मिले, उनको ये बैट दिखाया और उनसे भी हमें काफी हर मोमेंट पे गाइडेंस मिलती रही। मॉन्टी देसाई सर हैं, स्मैश जो यहाँ पे गेमिंग जोन है वहां पे हमने काफी टेस्टिंग की, उनके लोगों से काफी मदद मिली। तो काफी ऑन द वे, अकेले तो होता नहीं है, लोगों की मदद चाहिए होती है हर पॉइंट पे, तो काफी मदद मिलती रही। एंड अभी इस मौके पे है कि थोड़ा सा और रिफाइनमेंट की जरूरत है, उसके बाद हमें लगता है कि एक इंडियन टीम के प्लेयर को दिखा के और उनकी राय जरूर लेना। आप लकी सिर्फ इसलिए अगर संजय मांजरेकर यहाँ होते तो आप वहां होते, इसी बैट से वो आपकी कुटाई कर रहे थे क्योंकि वो कहते हैं कि क्रिकेट में हर चीज सिर्फ बल्लेबाजों के लिए बन रही है, गेंदबाजों का क्या। लेकिन आकाश पांच विकेटों की जरूरत है, क्या लगता है ये जो आखिरी सेक्शन है वापसी की आप सोच मिल गई है।